सोनी सब के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफ़ी समय से विवादों में घिरा हुआ है। एक के बाद एक शो के कलाकारों ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं असित मोदी के खिलाफ अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। मुंबई पुलिस ने असित मोदी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसकी जानकारी शो में मुख्य कलाकार रही जेनिफर मिस्त्री ने शेयर की है। हाल ही में एक लीडिंग न्यूज़ पोर्टल से बातचीत के दौरान जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि कई महीनों के इंतज़ार के बाद मैंने एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया। कल शाम 7:30 बजे से 12:30 बजे तक मैं पोवाई पुलिस स्टेशन में थी। आखिरकार पुलिस ने असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं जेनिफर ने आगे कहा कि मुझे पता नहीं कि शिकायत दर्ज करने में पुलिस ने इतना समय क्यों लगा दिया। मैंने पहले ही अपना स्टेटमेंट लिखवा दिया था, मगर मुझे कुछ गलत लग रहा था। मेरी गट फीलिंग तब सही साबित हुई जब मेरे वकील ने मुझे बताया कि असित मोदी ने उल्टा मेरे ऊपर ही कुछ गंभीर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन वो सभी आरोप झूठे थे। असित मोदी को समय चाहिए था। जेनिफर के अनुसार मैं अदालत में सब कुछ साबित करूंगी। मेरे पास सारे सबूत और रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। मैं पुलिस के एक्शन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी, मगर पुलिस से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन मैंने नोटिस किया कि असित मोदी ने भी काफ़ी समय से मेरी कंप्लेन पर कोई जवाब नहीं दिया है। तब मुझे समझ आया कि चीज़ों को मेरे खिलाफ करने के लिए उसे समय चाहिए था। बता दें कि मुंबई पुलिस ने IPC की धारा 354 और 509 के तहत असित मोदी सहित सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। इस बारे में बात करते हुए पुलिस के एक ऑफिशियल ने बताया, असित मोदी के खिलाफ FIR लिख ली गई है और पुलिस पूरी तरह से मामले की जांच में जुट गई है। केस में आगे की अपडेट जेनिफर मिस्त्री को बता दी जाएगी। गौरतलब है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेनिफर मिस्त्री काफ़ी समय से रोशन भाभी का रोल अदा कर रही थी, मगर 7 मार्च को होली और एनिवर्सरी की छुट्टी मांगने पर शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर सोहेल रमानी और जतिन बजाज ने उनके साथ बदसलूकी की थी और उन्हें शो से निकाल दिया। ऐसे में जेनिफर ने पुलिस स्टेशन का रुख कर लिया है। वहीं जेनिफर जल्दी ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाते भी नजर आएंगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बिहाइंड टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं।